हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट वन में देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी लाक्षणिकता देखी कि कंप्यूटर किस तरह से अच्छे से वर्क कर सकता है। उसमें आपने देखा था कि स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सेटाइल है, लार्ज मेमोरी है, वो आपने देखा था। फिर लिमिटेशन में मैंने आपको बताया था कि नो फीलिंग नो इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंसी उसमें नहीं है, वो अपने आप कुछ काम नहीं कर सकता। वो उसको कुछ भी वर्क करवाने के लिए हमको उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, डेटा देना पड़ता है, तब जाके वो कुछ वर्क कर सकता है। ठीक है, उसकी फीलिंग्स नहीं है, मतलब वो ना थकता है, ना उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ना उसको भूख लगती है, वो कंटिन्यू काम कर सकता है। अब आपको मैं आज आके बताऊंगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आप सोचो कि जनरेशन क्या है, तो अच्छे से अच्छा एग्जांपल आपके घर पे ही है, जैसे आपके दादा दादी है, फिर आपके पापा मम्मी है, फिर आप है, तो आप तीन जनरेशन आपके घर में हो गए। ठीक है, जनरेशन मतलब एक टाइम लिमिट का जो गैप बनता है उसको बोल सकते हैं हम जनरेशन। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी जनरेशन है। बहुत पहले आप देखो, हमने आगे के स्टैंडर्ड में देखा भी था कि बहुत पहले काउंटिंग करने के लिए कोई डिवाइसेस नहीं थे, कोई मशीनरी नहीं था, वो लोग पत्थर से काउंटिंग करते थे या स्टोन से या कुछ घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो काउंटिंग करके अपना मतलब चलाते थे जो भी उसका था। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद काफ़ी बड़ी कंपनियों में कार्ड होता है, उसके ऊपर पंच करके कितने दिन उन लोगों ने वर्क किया या कितने दिन उन लोगों ने काम किया उसका वो डेटा उस तरह से रखते थे। फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट आया और कंप्यूटर बना। कंप्यूटर के जरिए फिर वो डेटा रखने लगे कि कितना टाइम वर्क किया है इन्होंने, कि जैसे आप ही कही अटेंडेंस है तो हम लोग हर रोज मेंशन करते अटेंडेंस और फिर कंप्यूटर में फिलअप करके रखते, तभी पूरे साल में आप कितने दिन स्कूल आए हैं वो आपका अटेंडेंस उस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर तो बन गया, पर उसमें भी काफ़ी उसमें जो भी मशीनरी, उसमें जो भी डिवाइसेस, जो भी वर्क करने की स्टेमिना है उसको बढ़ाने के लिए फिर जनरेशन का चालू हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा फाइव जनरेशन अभी तक की कंप्यूटर की आई है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाली है वो अभी कंटिन्यू कहा जाता है। ठीक है, अब पहले के टाइम में क्या था, कंप्यूटर बनाया तो शेयरों ने, जो फर्स्ट जनरेशन जो है उसका पीरियड टाइम है 1942 से लेके 1956 तक। और कौन सा टेक्नोलॉजी बना उस टाइम, वैक्यूम ट्यूब बना। फर्स्ट वाला जो जनरेशन है उसकी टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम ट्यूब। अब वो वैक्यूम ट्यूब वाला जो कंप्यूटर बनाया गया वो पूरे रूम में मतलब एक रूम जितना बड़ा बन गया। ठीक है, अब उसके ऊपर चल के आपको वर्क करना पड़ता था, मतलब चल के वर्क करना पड़े या फिर उसको ठंडा रखने के लिए, इतनी बड़ी मशीनरी तो उसमें हीट भी तो ज़्यादा आती है, उसको ठंडा करने के लिए फिर उतना ज़्यादा और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब है वो इतना सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि इतना बड़ा कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह ले भी नहीं जा सकते, उसका रिपेयरिंग खर्च इतना था या फिर वो इतना हैवी था कि उसमें अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकते, उस इतना बड़ा कंप्यूटर के ऊपर तो चल के ही काम करना पड़े, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होने लगी, इसलिए सेकंड जनरेशन कर गए। पर उससे पहले मैं आपको फर्स्ट जनरेशन का फीचर्स बता दूँ। फीचर्स कौन कौन से थे उसमें, हैवी एंड लार्ज था, हैवी तो था ही, फिर बहुत बड़ा था, फिर वो एक्सपेंसिव था। अब इतना बड़ा था तो उसमें कुछ भी वर्क करने के लिए ज़्यादा पैसे भी तो ज़्यादा लगे, इसलिए उसको एक्सपेंसिव कहा जाता था। और वो काम एकदम स्लो था, उसका जो काम करने की गति थी, स्पीड था, वो एकदम स्लो था। तो ये फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन है उसका पीरियड टाइम है 1940 से लेके 1956 तक।
सेकेंड जनरेशन हुआ 1956 से लेकर 1964 तक, उसका नाम दिया उस वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, ट्रांजिस्टर। और आप सोचोगे ट्रांजिस्टर मतलब क्या, रेडियो की बात कर रहे, पता है रेडियो, हाँ अभी तो आप FM के नाम से जानते हो कि FM जो है वो रेडियो का नाम है वो, अब पहले ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आते थे उसको भी रेडियो, रेडियो का नाम भी ट्रांजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर जो है वो थोड़ा छोटी साइज हुआ, फिर वो अच्छे से उसमें वर्क करने लगे। ट्रांजिस्टर जो है वो छोटा सा था चिप जैसा, तो वो थोड़ा फास्ट था, इससे फास्ट था फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। फिर वो कॉमर्शियल यूज में होने लगा, कॉमर्शियल यूज होने लगा किसके, इससे ज़्यादा बेटर फर्स्ट जनरेशन से, और उसमें कॉमर्शियल यूज होने लगा तो उसमें प्रोग्रामिंग भी अच्छे से करने लगे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस करके नई जनरेशन लाए, थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1975 तक, उसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आईसी, ठीक है। अब वो आईसी है वो छोटा सा डिवाइस जैसा हो गया, छोटा सा मशीनरी हो गया, और वो अच्छे से वर्क करने लगा, किससे बेटर करने लगा, सेकंड जनरेशन फास्टर देन सेकेंड जनरेशन, एंड उसकी जो एक्यूरेटी है वो सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा बेटर है। फिर उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा है, और उसमें थोड़ा चेंजेस करके फोर्थ जनरेशन पे आए 1975 से लेकर प्रेजेंट, मतलब अभी तक वो चल ही रहा है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बनी उसका नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर, और वो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक छोटा सा डिवाइस जैसा है, वो कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, और वो है वो फास्टर था, किससे फास्टर था, थर्ड जनरेशन से। फिर वो एक्यूरेट था, वो भी थर्ड जनरेशन से ज़्यादा था, और वो उसमें ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी वो भी थर्ड जनरेशन से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके बाद हुआ फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रहा है, और उस काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप भी आप लोग देखोगे तो पहले के टाइम के कंप्यूटर से ज़्यादा अभी के जो कंप्यूटर है उसमें ज़्यादा स्पीड है, उसमें जनरेशन गेन है, इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हो, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसमें है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ, और फिफ्थ अभी कंटिन्यू है। उसके पीरियड टाइम्स आप देख सकते हो 1940 से लेके 1956 तक फर्स्ट जनरेशन है, वैसे 56 से लेके 64 तक, 64 से लेके 75 तक, 75 से लेके अब तक चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन का है इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर। अब फीचर्स आप देखोगे तो कंपैरिजन आपको पता चलेगा कि कितना एडवांस होता गया। पहले जो फर्स्ट जनरेशन था वो हैवी था, पूरे रूम जितना बड़ा था तो हैवी होगा, फिर वो लार्ज भी था, बहुत बड़ा भी था, एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चा था, इतना बड़ा कंप्यूटर उसको हीट ज़्यादा होती है, उसको कूलिंग करने के लिए ये वो उसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा था, और उसकी स्पीड एकदम स्लो थी। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन का फीचर्स आप देखो तो वो फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से बहुत बड़ा फास्ट हुआ, ठीक है। फिर कॉमर्शियल यूज होने लगा, इसके उसमें प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते थे, और वो थोड़ा सा उसका फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा साइज उसका छोटा बना। फिर थर्ड जनरेशन में उस वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, वो फास्टर देन सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन से थोड़ा फास्ट हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन से तो और थोड़ा फास्ट हो गया, और उसमें एक्यूरेट थी, एक्यूरेसी उसमें अच्छी थी, जो भी वर्क इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है वो एक्यूरेट वो बता सकते थे, ठीक है। और फिर फोर्थ जनरेशन पे जाए तो फास्टर देन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से फास्ट हुआ, फिर सेकेंड जनरेशन से और फास्ट, एंड फर्स्ट जनरेशन से नॉट देन फास्ट, फिर उसकी एक्यूरेट देन थर्ड जनरेशन, एक्यूरेट जो था उसका एक्यूरेसी वो थर्ड जनरेशन से ज़्यादा था,
स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी और बेटर थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ जनरेशन है वो अभी भी उस पर वर्क चल रहा है, बेटर एंड बेटर बनाया जाता है। और ये सारी टेक्नोलॉजी लिखी है मैंने, फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब, सेकंड की ट्रांजिस्टर, थर्ड की है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ की है माइक्रो प्रोसेसर, और वो बेटर से बेटर बेटर बनता गया। ठीक है, तो ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।